पहले आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। दबा दिया। वेलकम टू आवर चैनल ए आर ट्यूबर। मैं हूं अब्दुल रहीम और आज हम बात करने वाले हैं रेडमी नोट 10 और नोट 10 प्रो के बारे में। आप लोग सोच रहे होंगे रहमान भाई किधर है, तो रहमान भाई की तबीयत खराब है इसलिए रहमान भाई वीडियो को शूट नहीं कर पाए और मुझे शूट करना पड़ रहा। वैसे तो मैं बिहाइंड द कैमरा रहता हूँ, वीडियो को एडिट वगैरह और अपलोडिंग वगैरह करता रहता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है 30 सितंबर को Xiaomi ने अपने 10T सीरीज को लॉन्च कर दिया, 10T और 10T प्रो और 10T लाइट को। तो दोस्तों 10T और 10T प्रो के ऊपर हम लोगों ने पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है, अगर आप चाहें तो कार्ड पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो हम लोग बात करेंगे 10T लाइट के बारे में। ग्लोबली 10T लाइट के नाम से है मगर चाइना में नोट 10 प्रो के नाम से लॉन्च होगा और इंडिया में भी बहुत जल्द देखने को हमें मिल जाएगा। तो जान लेते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन क्या होगी और क्या ही इसकी प्राइस होगी, वीडियो को एंड तक देखें। बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। डिस्प्ले आपको 6.67 इंच का पंच होल वाला फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। अगर बात कर ली जाए सेल्फी कैमरा के बारे में तो भाई पंच होल में आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है और अगर बैक कैमरा की बात कर ली जाए तो आपको बैक पूरा ग्लास मिलता है जो कि क्वाड कैमरा सेटअप के साथ आता है। पोको X3 का ही लुक लग रहा है देखने में, आप देख पा रहे होंगे, लेकिन इसमें आपको ग्लास मिल जाता है बैक में और पोको X3 में आपको प्लास्टिक मिलता है। सेटअप के बारे में अगर बात कर ली जाए तो 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा मिल जाता है जिसमें प्राइमरी कैमरा आपको 64 मेगापिक्सल का मिल जाता है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल वाला कैमरा मिल जाता है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिल जाता है। अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात कर ली जाए तो आपको प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का 750G वाला प्रोसेसर मिल जाता है जो कि 5G नेटवर्क को सपोर्ट करेगा। ये प्रोसेसर दोस्तों नया है जो कि Xiaomi 10T लाइट में यूज कर रहा है और Redmi Note 10 Pro में भी हमें देखने को मिल जाएगा। अगर स्टोरेज की बात कर ली जाए आपको तो LPDDR4X की रैम मिल जाती है और UFS 2.1 का सपोर्ट मिल जाता है और इसका बेस वेरिएंट जो होगा 6GB की रैम और 64GB की स्टोरेज वाला होगा और अगर हायर वेरिएंट की बात कर ली जाए तो 6GB की रैम और 128GB की स्टोरेज के साथ आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें UFS 2.2 का सपोर्ट होगा। अगर बैटरी की बात कर ली जाए आपको तो 4820mAh की बैटरी मिल जाती है जिसको चार्ज करने के लिए 33W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगी। MI 10T लाइट में आपको 4820mAh की बैटरी मिल रही है। हो सकता है इंडियन वेरिएंट में जो कि Redmi Note 10 Pro के नाम से आएगा उसमें 5000mAh की बैटरी आपको देखने को मिल जाएगी, क्या ही है तो वो तो फोन आने के बाद ही पता चलेगा। अगर बात कर ली जाए बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के बारे में तो आपको साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है और फेस अनलॉक वगैरह तो होगा ही। अगर फोन के ओवरव्यू के बारे में बात कर ली जाए तो आपको साइड में वॉल्यूम रॉकर और फिंगरप्रिंट जो है पावर बटन के ऊपर ही देखने को मिल जाएगा और ऊपर की तरफ Xiaomi तो अपना एयर ब्लास्टर और नॉइस कैंसिलेशन माइक देता ही है और नीचे की बात कर ली जाए आपको तो चार्जिंग पोर्ट टाइप सी मिल जाएगी और स्पीकर ग्रिल वगैरह और मेन माइक आपको देखने को मिल जाएगा। लेफ्ट साइड की तरफ आपको सिम ट्रे वगैरह देखने को मिल जाएगा। बैक की बात कर ली जाए आपको तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलेगी और फ्रंट में भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलेगी। प्राइसिंग की बात कर ली जाए आपको तो MI 10T लाइट में आपको बेस वेरियंट 24,000 में देखने को मिल जाएगा और हायर वेरियंट आपको 29,000 में देखने को मिलेगा। Redmi Note 10 Pro जो कि MI 10T लाइट का ही रीनेम वर्जन होगा उसमें आपको प्राइस जो है 20,000 देखने को मिलेगी क्योंकि इंडिया में लॉन्च होगा तो हो सकता है थोड़े कम प्राइस में लॉन्च हो क्योंकि ग्लोबली फोन्स की प्राइस थोड़ी महंगी होती है। अगर इंडिया में लॉन्च होगा तो प्राइस थोड़ा कम देखने को हमें मिल जाएगा तो बेस वेरिएंट हमें 20,000 तक देखने को मिल सकता है और अगर हायर वेरिएंट की बात कर ली जाए तो 25,000 तक जा सकता है। बेस वेरिएंट जो कि 664 का होगा और हायर वेरिएंट जो होगा 6 128GB का होगा। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे नोट 10 प्रो के ही बारे में बात कर रहा हूँ, नोट 10 के बारे में कहाँ बात किया, तो आपको नोट 10 में सिर्फ एक ही डिफरेंस देखने को मिलेगा, नोट 10 प्रो आपको 5G कनेक्टिविटी के साथ मिलेगा और नोट 10 जो है वो आपको 4G नेटवर्क के साथ मिलेगा। प्रोसेसर जो है आपको नोट 10 में 732G वाला मिलेगा और नोट 10 प्रो में तो मैंने बता ही चुका है 750G वाला मिलेगा, न्यू प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन के तरफ से। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल भी होगा। मैंने नोट 10 प्रो के बारे में सारी जानकारी दे दी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को ग्रे कर दे और थम्स अप बटन को ब्लू कर दे, यानी कि लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। हमने 850 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिया आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से, 1000 सब्सक्राइबर भी आप लोग अपने प्यार सपोर्ट से जल्द करवा दें। हम ऐसे ही वीडियोस वगैरह बनाते रहते हैं, क्विक अपडेट वगैरह देते रहते हैं, अनबॉक्सिंग एंड टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह भी बताते रहते हैं, हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है।